हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर बी लोगो। गिरीश जी के लिए हमने ये लोगो बनाया है और ये लोगो इस तरह का दिखता है। अब इसमें स्पेशलिटी क्या, लोगो हमने ऐसा किस कारण बनाया है? तो जैसे कि आपने मेरा एक वीडियो देखा रहेगा जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, जहां पे मैंने बेसिक्स बताए लोगो डिजाइनिंग के बेसिक्स। उसमें से कुछ बेसिक ऐसे कि कैसे काम फास्ट होता है, कैसे डिलीवरी फास्ट हो जाता है, कैसे आदमी एजाइल हो जाता है। तो ये जो लोगो हमने यूज किया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यूज किया, उसमें ये जो देखो आप, इसका जो एंडिंग होता है वो एक सिंगल पॉइंट पे है। तो ये एंडिंग सिंगल पॉइंट पे होने के कारण इनका जो काम है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने वाला है, ज्यादा स्पीड से एग्जीक्यूट होने वाला है और बहुत जल्दी डिलीवरी दे देगा। और दूसरा, अगर आप हम लोग इनका कलर देखो तो कलर हमने ब्लैक चूज किया है और येलो चूज किया है, क्योंकि इनका काम है पानी के साथ बिजनेस। पानी, ऐसा पानी जो लोगों को एक अच्छी जिंदगी की होप देगा, एक बेहतर भविष्य की आशा दिखाएगा और एक स्ट्रक्चर वाटर इस चीज के ऊपर ही ज्यादा काम करने वाले। तो गिरीश जी, थोड़ा सा बताइए कि मैं जो बोला सच है, किस तरह का सोच रखते हो आप रिगार्डिंग वाटर? सो बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि जिस तरह से नेचर में आप देखते हो कि कुछ भी वेस्टेज नहीं होता है, तो ट्रीटमेंट जो है, वाटर ट्रीटमेंट हमारे, हम जो करते हैं वो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वाटर है। सेकेंड इज, उसका जो लाइफ फोर्स है, वो लाइफ फोर्स उस पानी का इंक्रीज किया जाता है। थर्ड है, उसका जो हम आउटपुट चाहते हैं कि हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर चाहिए। फिर वो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वो अगर हम सोसाइटीज की बात करें या आप इंडस्ट्रीज की बात कर लें, पीने के लिए बोले, हर जगह जहां पर पानी आज यूज हो रहा है वहां पर वो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली वी गिव होप टू द पीपल दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। काम अच्छा हो जाएगा, पानी अच्छा हो जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वो येलो कलर वापस यूज किया है। और जिस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अभी इस मोमेंट पे, वो बड़ा यूनिक है और बहुत ही कम लोगों के पास है। और मैं तो बोलूंगा किसी और के पास नहीं है, राइट और रॉन्ग? कुछ कॉपीज है, बट कॉपी होता है। तो इसलिए इनका जो कलर हमने चूज किया है वो ब्लैक कलर यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, काफी ज्यादा पावर दर्शाता है। और दूसरा जो चीज हमने इसमें किया है वो स्पेसिफिकली द शेप ऑफ डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू वाटर बी, ये जो फॉर्मेशन बी है ये हमको का सच है और ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू इज स्पेसिफिकली फॉर वुमन। आप डब्ल्यू का अगर ये शेप देखते हो तो दीज आर द शेप ऑफ वुमन्स ब्रेस्ट। तो द फर्स्ट टाइम यू केम इन कॉन्टेक्ट विद एनी वुमन्स ब्रेस्ट वॉज योर मदर्स। सो डब्ल्यू इंडिकेट्स मदर, W indicates woman, feminine energy. So we have increased the base of feminine energy, basically emotional energy. So why? Because what I found when I first met Mr. Gireesh, he's like, he needed a lot of emotional balance, emotional support. Somebody should be there to hear him out, listen to him. And because he needed that kind of emotional support, we have put that emotional support over there. He had that kind of challenge with his emotional energies in the past. So keeping that mind, we have designed the logo in a way that his emotional energies will always be balanced. So this is something which we are not aware. So that is how we have made the W like this. Okay. So that is a challenge. Like even after so much of healing, I find that as a challenge. So we and being an empath, like wherever I go, I catch people's energies. Great. So that is what we have done. Font may change a bit. We are not still confirmed with the font, but the logo shape is already confirmed and this is how it will be for him. So congratulations, Gireesh, for getting a fantastic logo from our side. Sure. And best of luck for your future. Yeah. Thank you. See you soon.